विजयादशमी के अवसर पर हुडको स्थित मंगल बाजार ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, विधायक देवेंद्र यादव, निगम महापौर नीरज पाल, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से यहां पर शामिल रहे। मनमोहक रामलीला के पश्चात रावण का दहन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी हुडको स्थित मंगल बाजार ग्राउंड में नवयुवक दशहरा उत्सव समिति के तत्वावधान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रावण दहन के कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग निगम महापौर नीरज पाल व साथ ही दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम में विधिवत यहां पर पूजन अर्चन के पश्चात रामलीला का आयोजन किया गया। नन्हे बच्चे कलाकारों ने यहां पर मनमोहक रामलीला प्रस्तुत की, जिसे देख दर्शक काफी देर तक खुश होते रहे। घमंडी रावण, तू वानर भालुओं को मार कर क्या वीरता बघाड़ता है? अब तेरा खैर नहीं, तेरा काल लखनलाल आ गया है। अभी तुझे मार कर यमलोक पहुंचाता हूं, अब लड़ने को वहीं आसमान पर होती आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र रही। कौमी एकता के रूप में मनाते हैं, जहां सभी धर्म के लोग यहां पर आते हैं और भारत में भिलाई सभी धर्मों के लोगों के रूप में जाना जाता है, जहां विभिन्न जाति धर्म और भाषा के लोग। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पहुंचे अतिथियों ने भी दशहरा पर्व की बधाइयां शामिल लोगों को देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मैं समझ रहा था समापन हो गया होगा। अरुण भाई कह रहे हैं रावण आप ही काने की इंतजार कर रहा था मरने के लिए। आप ही क्या तो मरेंगे। अब हम लोग रावण मारने के लिए तैयार ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि 9 दिन माता दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व समाप्त हुआ। 9 दिन आप सब लोगों ने माता रानी की पूजा की, थोड़ा तो उपवास किया। कौन 9 दिन उपवास था? हाथ उठाओ। 1, 2, 3। जिन जिन उपास रहे ना ते मल ज्यादा शक्ति मिली। कावर की दुर्गा, आज विजयादशमी का पर्व है। हम सब एक दूसरे को विजयादशमी पर्व की बधाई शुभकामनाएं देने आए हैं। आज का जो ये पर्व है, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। आज हम सबको इस बात का संकल्प लेना है कि हम सद्भावना, भाईचारा, एकता, सर्वधर्म संभाव की भावना पर चलेंगे और हमेशा जीवन में सत्य कहेंगे, सत्य में जयते। सबसे पहले दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं, जैसे भैया ने बोला, चाचा जी आपने बोला, तो भिलाई को मिनी भारत ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पे लोग जीते हैं। और दशहरा हर साल यहाँ पे मनाया जाता है, बहुत ही खूबसूरती से मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इस क्रिकेट ग्राउंड में इस बार जो ये फ्लड लाइट लगे हैं, इससे आपके दशहरे की खूबसूरती और भी बढ़ती चली जा रही है। मैं एक बार फिर से पूरे भिलाई वासियों का, पूरे हुडको वासियों का इस दशहरा में बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। उसके लिए सबसे पहले सीजू भैया और उनकी टीम को ढेरों बधाइयां। सारे राम भक्तों को एक साथ देख के बड़ा अच्छा लगता है। साथ में अभी ऐसा समय आया हुआ है कि समाज और धर्म अलग अलग दिशा में चलने लगा है। अब आने वाले समय में एक चीज को याद रखना है हमें कि
समाज जो है वो धर्म के बगैर अंधा होता है और धर्म जो है समाज के बगैर फॉलोअर लेस होता है। तो दोनों साथ चलें, दोनों साथ रहें, यही कामना करता हूं इस मंच से। इसके बाद समय आया अहंकारी रावण को आग के हवाले करने का। तो यहां पर रावण दहन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल रहे। सभी ने यहां पर अहंकारी रावण का दहन होते देखा। और जो भी बच्चे फोटो वोटो खिंचाना चाहते होंगे साथ में जा सकते हैं। नवयुवक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा बीते 25 वर्षों से विशाल रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता रहा है। समिति के अध्यक्ष सीजू एंथोनी प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन कराने के पीछे का उद्देश्य आपसी सद्भावना और प्रेम बताते हैं। बहरहाल रावण दहन के कार्यक्रम में मंगल बाजार ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।